नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आजम खां अगर राम मंदिर बनवाने की बात कहें तो आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यहां आजम खां पूरी तरह से भगवाधारी होकर मंदिर निर्माण की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही भगवान राम के जयकारे भी लगा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान, जी हां, गौर से देखिए इस नाम को, फिर से पढ़िए, मोहम्मद आजम खान। इस नाम के आगे लिख दिया गया है राष्ट्रवादी, मोहम्मद आजम खान। आजम खान नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यूपी की सियासत में ये नाम विवादित बयानों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये नाम और इसकी हकीकत, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं यहाँ पर। आप ऊपर देख सकते हैं जय श्री राम 786, बीच में कलश, उसके बाद फिर 786, बैकग्राउंड भगवा रंग का। उसके नीचे आते हैं, देखते हैं कि लिखा है देश के मुसलमानों का यही है मान, श्री राम मंदिर का हो वही निर्माण। नीचे लाल रंग के अक्षरों में लिखा है एक ही लक्ष्य। ये लक्ष्य क्या है? ये ऊपर की जो लाइन लिखी है, मंदिर का वही हो निर्माण, मतलब अयोध्या में राम मंदिर बने। आगे बढ़ते हैं, वहां देखते हैं लिखा है ये भगवान श्री राम की तस्वीर और उसके ऊपर लिखा हुआ जय श्री राम। ये रहा दूसरा छोर, हम दूसरे छोर की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल ये एक होर्डिंग है जो विधान भवन के ठीक सामने लगी हुई है। दूसरे छोर पर भी आप देख सकते हैं लिखा है जय श्री राम। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हरे और लाल रंग की पगड़ी। आपको जानने की उत्सुकता होगी कि दरअसल ये आजम साहब हैं कौन, बताना चाहूंगा आपको। पगड़ी, पगड़ी के ऊपर कमल का निशान। थोड़ा सा नीचे आते हैं, माथे पर गेरुआ रंग का टीका, आंखों पर चश्मा। अब धीरे धीरे नीचे आते हैं और आपके सामने स्पष्ट होती है आजम साहब की तस्वीर। तो दरअसल आप समझ गए होंगे कि ये आजम साहब कौन हैं। कंधे पर बीजेपी के लिखा हुआ गेरुआ रंग का अंगोछा भी है और उसके नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान राष्ट्रवादी, श्री राम मंदिर निर्माण मुस्लिम कार सेवक मंच। तो दरअसल ये पूरी तस्वीर है और ये होर्डिंग लगी हुई विधानसभा के सामने जो इस वक्त कौतूहल का विषय बनी हुई है। तो मैंने भी जानने की कोशिश की, इत्तफाक ये रहा कि मेरे साथ इस वक्त हैं आजम खान साहब। मैं दिखाना चाहूँगा आजम खान साहब, दरअसल आपने जो होर्डिंग जो तस्वीर देखी है वही है ये आजम खान साहब। अब इस होर्डिंग के पीछे मकसद क्या था, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आजम साहब, क्या समझा जाए इसे, राजनीतिक स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट या फिर हकीकत? मैं एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई भी राजनीति नहीं है। और दूसरी बात ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये विषय सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदू भाइयों का नहीं है, और राम सिर्फ हिंदू के नहीं है। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, राम हमारे भी। तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी दिल की आवाज़ है और हमारे साथ बहुत से मुसलमान भाइयों की ये आवाज़ है कि वहाँ पर श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण अब हो जाए। फिर ये विवाद उठता है, कैसे सुलझेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी एक व्यवस्था दी गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साहब कोर्ट के बाहर बैठ करके आप लोग एक सुलह समझौता कर लें और मस्जिद और मंदिर का मामला हल करें आप लोग। चूंकि मामला, चूंकि न्यायालय को कहा जाता है कि साहब धरती का भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या धरती के भगवान ब्रह्मांड के भगवान का फैसला करेगा? बिल्कुल नहीं। ये फैसला हमको, हम सबको मिलकर करना है कि श्री राम मंदिर के निर्माण कब और कैसे होना है। बहुत देर हो चुकी, अब बड़े शर्म की बात है कि अभी तक श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। वहां मस्जिद भी बननी चाहिए आपके मुताबिक? मस्जिद बननी चाहिए लेकिन उस कैंपस में नहीं बननी चाहिए। दरअसल बात यह है, मस्जिद एक ऐसा विषय है कि अगर आप बात करेंगे, मैं मुसलमानों से भी बात कर रहा था इस विषय पर कि साहब मस्जिद बननी चाहिए, तो कुछ बरेली भी मुस्लिम ने आ गए कहने के साहब हमारे मसलक की मस्जिद बन जाए।
अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं साहब हमारे मसलक की मस्जिद बन जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है कि साहब वो मस्जिद किस तरह से बने और कौन आदमी उसका मतवली होगा, किस फिरके की होगी वो मस्जिद, ये अपने आप में विवाद है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि साहब अभी फिलहाल जो है, बहुत से हमारे मुस्लिम साथी कहते हैं वो हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन हमारा एक ही मकसद है राम मंदिर का निर्माण, उसके अलावा मस्जिद बिल्कुल बने, मैं मस्जिद के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये विवाद नहीं मैं खड़ा करना चाहता। आजम साहब विवाद ये भी है, आपकी जो होर्डिंग है ये भी है, आप खुले स्तर पे ये कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, मेरे पर राम की कृपा है। अगर आप सोचते हैं कि डर की बात है, तो अगर कोई जान देने की बात है, मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे देश और देश के बाहर से हमारे को धमकी मिल रही है। मैं इस समय SSP के वहाँ से लौट के आ रहा हूँ, वो हमसे मिली नहीं है, लेकिन उनको मैं बताने गया था कि हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा के बारे में व्यवस्था की जाए। आजम साहब ये नीचे अपने नंबर दे दिया, इसका देने का क्या मतलब था? अगर ऐसे भी हो सकता था, ये नंबर अगर नहीं देते तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते, समझते कि ये फेक है। आज के दिन में लोग हमको सवाल करते हैं और बहुत से भाई हमारे हमको धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं हमारी इस पहल के लिए, और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर ये नंबर ना होता तो आप भी हमारे सामने ना होते। ये आप लखनऊ के सही हैं जी। तो ये थे हमारे साथ आजम खान साहब, जिनका स्पष्ट मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर बने इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। जनाब, एक कान से मंदिर के घंटे की आवाज़, दूसरे कान से अजान की आवाज़ सुनने वाले कान अब बेपरवाह हो चुके हैं, ये शरीर बेपरवाह हो चुका है कि अयोध्या में मंदिर बने या फिर मस्जिद बने, फैसला कोर्ट का है। बहरहाल आजम खान साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जो होर्डिंग लगाई है, ये होर्डिंग भी बहुत कुछ कहती है, जो आपसी सद्भावना आपसी सौहार्द को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही साथ ये भी कहती है कि सबसे ऊपर उठकर सोचने का वक्त आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। सरकार बदल गई, सरकारी कर्मचारियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन यूपी पुलिस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों को तो परवाह ही नहीं है। ऐसी एक ताज़ा घटना सामने आई है इटावा से, जहां पुलिस जीप में ही वर्दी के रखवाले वर्दी पर दाग लगाने का काम कर रहे थे। यही नहीं, वो सीधे मुख्यमंत्री के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कहां से कौन से थाने की है जे? तो जे बियर पीने का कौन सा अंदाज है आपका? दरअसल यहाँ पुलिस की एक जीप में बैठे पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे, लेकिन मौका देखते ही वर्दी के रखवाले पुलिस जीप में बैठकर ही बियर पीने लगे। इन्हें जब ये मालूम हुआ कि इनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो रही है, तो ये अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आए। वीडियो में सभी बुरी तरह नशे में धुत नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद से सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BS3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑटो कंपनियों को गहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BS3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऑटो कंपनियों को गहरा झटका लगा है। ऑटो कंपनियों का दावा है कि वाहनों की बिक्री पर रोक से उन्हें बड़ा नुकसान होगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि जब कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल से BS4 लागू होने वाला है, फिर भी वो टेक्नोलॉजी विकसित करने पर क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं BS4 नॉर्म्स की गाड़ियां बनाई गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सेहत ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे से ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें 31 मार्च के बाद BS3 वाहनों की बिक्री पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आखिर क्या है जो बॉलीवुड फिल्मों को खास बनाता है? इसके गाने, डांस और ढेर सारे इमोशंस। बॉलीवुड की तरह ही भारत की शादियां भी गाने, डांस और इमोशंस से भरपूर होती हैं। शादियों के संगीत फंक्शन के लिए तो लोग हफ्तों पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं।
संगीत का एक वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है, जिसमें रिश्तेदार नहीं बल्कि खुद दुल्हन डांस करती हुई नजर आ रही है, वो भी एक दो मिनट नहीं बल्कि पूरे 17 मिनट तक लगातार। इस वीडियो में वो सब कुछ जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वो सभी कुछ इस वीडियो में भी है। अपनी धुन पर नाचती दुल्हन, उसकी सहेलियां, भावुक होते रिश्तेदार। इस साल की जनवरी में ये पोस्ट किया गया वीडियो है जो आपके सामने इस समय चल रहा है, और इसे YouTube पर 64 लाख लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब बात फिल्मी जगत की कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई का पिछले महीने पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। अब श्रद्धा कपूर की एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें वो फिल्मी भाई दाऊद इब्राहिम के साथ नजर आ रही हैं। श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर किया। श्रद्धा ने लिखा कि जल्द ही आ रही है हसीना। फिल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार सिद्धांत कपूर निभा रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में भी श्रद्धा के भाई हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर बेहद इमोशनल हो गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज विद्या बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया।